क्या होता है जब हमारे पबजी के टीचर और पबजी के यूट्यूबर्स में आपस में लड़ाई हो जाती है, बंदे रश तो कर देते हैं। गैंग, आज हम देख रहे हैं हमारे बिक्सी टीचर को, जिन्होंने ऑफ कोर्स हमको इतनी सारी चीजें दिखाई है, तो आज ही अपना कॉन्करर लेवल पर गेम पर दिखा रहे हैं स्ट्रीमर्स के अगेंस्ट। क्योंकि यहाँ पे मैं पायो को नॉक कर देता हूँ, पर पीछे से इसका टीममेट कवर फायर दे रहा था, तो अभी उसको पकड़ते हैं। पायो को नॉक फिनिश कर दिया फाइट शुरू होते ही। अब भाई हमारे बिक्सी भाई ऑफ कोर्स कॉन्करर लॉबी में खेल रहे हैं, टॉप 50 रैंक है भाई, मजाक से हट गए, बहुत टफ है नो, इतनी अच्छी रैंक लेकर के मेंटेन करना और उसके बाद ऐसे भगा भगा के नॉक करना। तो फटाफट से उसको फिनिश डालने के लिए जाता हूं। अब जैसे ही मैं यहां पे इसको फिनिश डालने के लिए आता हूं ना, पायो और इसके बाकी के टीममेट्स ना यहां पे रिकॉल होकर आ जाते हैं और भाई अभी यहां पे दोबारा से फाइट होने वाली है 2.0। अरे भाई साहब ऊपर उतरे, अरे 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 अरे, दूर से भी कोई मार रहा है गोली, दूर से कोई यूएमपी मार रहा है भाई साहब। अब इसका टीममेट मुझे पीछे से डैमेज कर देता है, तो सबसे पहले हीलिंग करते हैं। लेकिन उसको पता नहीं यहाँ पे नेड उड़ किसके मुंह पे आएगा। पहले पड़ गया था बंदे ने रश किया, नॉक फिनिश। और इसी के साथ लास्ट वाले कभी खेल खत्म कर देते हैं। अभी अपना अगला क्लच आने वाला है एक स्ट्रीमर के अगेंस्ट में, तो भाई सामने एक स्क्वाड होती है, तो मैं यहाँ पे स्केटबोर्ड का यूज करके इन बंदों पे रश कर देता हूँ। अभी ऊपर से मुझे बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि भाई नेड करेंगे, पर भाई जैसे ही मैं नेड करने के लिए जाता हूँ ना, यहाँ पे भाई बहुत गलत सीन हो जाता है। अपार्टमेंट में एक जगह से दूसरी जगह तो मैसेज उड़ के जा सकते हो, अरे भाई 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 डीबीएस। और भाई यहाँ पे अगर मेरा टीममेट नेड से उसको ना फोड़ता ना, तो भाई मुझे यहाँ पे पक्का फिनिश डाल देता। अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नीचे आके रिवाइव लेता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिवाइव हो रहा होता हूँ ना भाई, बंदे यहाँ पे हमारे पे रश कर देते हैं। ये टफ है फाइट जीतना बहुत ज्यादा, सही बताऊं तो। ओके यहाँ पे जो स्ट्रीमर उसका पीओवी दिख रहा है बिक्सी के अगेंस्ट, सामने से रश किया इसकी टीम ने, एक बंदा नॉक, अरे भाई साहब ये भी गया, फिनिश ही कर दिया भाई क्रेजी रियो को। अरे अरे इनका एक प्लेयर यहाँ ऊपर बैठा हुआ है, टीपी की ले रहा है, इसने एचपी मारी, वो भी रश करेगा, नेड फेंका एक शायद से, क्या है नहीं फ्लैश बैंग, ओके मेरे को लगा नेड आएगा। अरे 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 पीओवी देख लो भाई साहब, उन्होंने फ्लैश बैंग करके रश किया लेकिन, अरे अरे भाई फ्री फायर मोड गए भाई। एक दूसरी टीम का बंदा बाहर से हमारे पे पुश कर देता है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हीलिंग करके गन रिलोड करता हूँ। कॉन्करर लॉबी में जो बंदा ऊपर था उसको मेरा टीममेट मार देता है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि टाइमिंग होगी थोड़ी सी, जैसे ये लोग अंदर रश करते हैं ना तभी वो रिवाइव हो जाता है, अगर हल्का से एक दो सेकंड पहले आते ना तो पूरी स्क्वाड को खा जाते हैं, बट और थोड़ा डिले हो गया, यू नो वो रिवाइव हो गया। अब यार इन लोगों का तो पता नहीं, पर भाई इस बंदे ने मुझे जरूर रिपोर्ट किया होगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों की फाइट हो रही थी अपार्टमेंट्स में, पर तभी मुझे पीछे से एक ग्लाइडर का साउंड आता है, तो मैं निकालता हूँ एमआर और भाई अभी देखना। अरे अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ग्लाइडर पे उसको गोली का डैमेज पड़ गया एक, और भाई कमेंट करके बताओ कि एमआर का शॉट तुम्हें कैसा लगा। भाई साहब चार गोलियां बंदा साहब, तभी यहां पे पूरे के पूरे चार बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीडियो में थोड़े बहुत स्नोबॉल्स करता हूँ, ताकि इन बंदों को हमारे ऊपर रश करने में मुश्किल हो, पर भाई ये लोग यहाँ पे हमारे ऊपर ग्रेनेड और मोली चालू कर देते हैं, और भाई अभी यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। किल की भूख एंड केडी के लालच ने इसके अपोनेंट्स को अंधा बना दे, यहाँ पे रश करने मजबूर बना दे, लेकिन डीपीएस के अगेंस्ट रश करना थोड़ा सा टफ है। एक बंदा आया नॉक, दूसरे वाले गिली सूट होगा तो पता ही नहीं हो किधर गोली मारा, तीन बंदे गए भाई साहब, डीपीएस पापा गन है भाई, मजाक से हटके इसका कोई कंपटीशन नहीं, आखिरी प्लेयर एलएमजी P5 मारता हुआ रहा है, लेकिन डीबीएस के अगेंस्ट नहीं कर पाओगे कुछ यार। तो यार हम लोग 200K के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो भाई अगर तुम लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस टीम को मारता हूँ ना, यहाँ पे एक और स्क्वाड हमारे पर रश कर देती है। TBS का मतलब कोई कंपटीशन नहीं है यार, मतलब ये नो ऐसी गनों में से एक बन चुकी है जिसके आसपास अगर लाइक अकेली गन, लाइक अगर तुम अकेले प्लेयर लाइव हो तुम्हारी टीम और तुम्हारे पे चार बंदे रश कर रहे हैं और भाई तुम्हारे पे TBS है तो तुम्हारे पे जीतने का अच्छा खासा चांस है भाई। पहाड़ियां ये बंदे आए, अरे भाई 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 एक स्प्रे में पूरी स्पॉट साफ और डीबीएस से पूरी गाड़ी ही फोड़ डाली। और भाई इन बेचारों के साथ तो बहुत ही बुरा स्कैम हुआ है। तो भाई मैं जा रहा था जॉर्जो पूल, क्योंकि भाई वहां पे ना बंदों ने फ्लेयर चलाई हुई थी, और भाई रास्ते में मुझे मिल जाते हैं बंदे, और भाई अभी यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। दासिया में फुल हीरो बाजी है भाई, वो चार बंदे घूम के मारने के लिए इसको बग्गी का पीछा करते हुए आ रहे हैं चारों फुल स्पीड। किल की भूख एंड केडी के लालच ने चारों को अंधा बना दिया, पागलों की तरह रश करने के मजबूर बना दिया एंड भाई बेचारे। अब इन तीनों को तो मार दिया, अब बारी थी जॉर्जो वाले बंदों की, तो फटाफट से बंदों पे रश करते हैं। बंदा राइट साइड में ऊपर ने बग्गी लेने जा रहा था, फंस गया है
बिक्सी ने एंगल बना करके अंदर जॉर्ज बुल में तो आ गया। वो बंदा जो ओपन में था उसको तो फ्री का के लिए ले सकता अगर वो छुपा नहीं होगा अब तक तो, जहां तक लग रहा है। लेकिन बंदे ने क्लोज इन कर दिया और डीपीएस से नॉक हो गया वो। और ये बग्गी वाला अपनी बग्गी लेके आया। अरे अरे वो बग्गी लेके तो आया, उसका फायदा क्या होगा दोस्त? उसको चलाने से पहले तो आपकी पिलम पाली हो जाएगी यहाँ पर टीचर के हाथ से। भाई 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 ये अच्छी स्ट्रैटेजी है एनिमीज की अगर वो थोड़ा आराम से रश करे तो, लेकिन नेवर माइंड। बिना कोऑर्डिनेशन के इन लोगों ने रश किया, इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। भाई मैं बंदे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे लैब में आ जाता हूँ और यहाँ पे ना भाई दो बंदे होते हैं। अब मैं सबसे पहले तो बंदों को ढूंढता हूँ और यहाँ पे मुझे बंदों की बगी स्पॉट होती है, तो मतलब बंदे यहीं पे कहीं पे कैंप कर रहे हैं और मुझे सामने बंदे का साउंड भी आ जाता है और बंदा भी मेरे यहाँ पे साउंड ले लेता है, तो मैं एक नेट पिन करता हूँ। आप अपने टीचर का यहाँ पे हैंड कैम भी देख सकते हैं, फाइव फिंगर क्लॉ चल रहा है यहाँ पर। ओ बंदा राइट साइड से रश करता हुआ आ रहा है, अगेंस्ट टीपी भी घुसने की नाकाम कोशिश। वुल्फ इज लाइव वाइटी की अगेंस्ट टीपी पे ऐसे नहीं आने का। देखो गाइस कभी भी टीपी पे लेते हुए प्लेयर के अगेंस्ट मत घुसना अगर माइनस भी सामने इसका एक और टीममेट होता है तो मैं उसको भी रश कर देता हूं। ओके ये बंदा भी अगेंस्ट टीपी पे फाइट लेके आ रहा है। अरे अरे लॉस भाई, अबे ओ लॉस के अगेंस्ट था क्या? लॉस के एचपी नहीं है ऑलरेडी, लॉस के एचपी ऑलरेडी खा चुके हैं लोग। माइनस के लिए एक्सट्रीमली सॉरी ब्रो। तो भाई जोन ब्रिज के उस पार बना हुआ था तो मुझे पता था कि भाई ब्रिज से बंदे जरूर आएंगे जोन में एंटर करने के लिए, तो हम लोग अपनी गाड़ी ब्रिज के पीछे पार्क करके यहाँ पे बंदों के आने का वेट करते हैं। और तभी मैं देखता हूँ कि सामने से पूरी की पूरी एक स्क्वाड आ रही है। इनके लिए बुरा लग रहा है मेरे को, ये चार बंदे अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं ना गाड़ी में बैठ करके फुल फील लेकर के। और भाई लास्ट वाले बंदे का ध्यान मेरे टीममेट्स पे होता है तो मैं इस स्क्वाड को भी मार देता हूं। मतलब अभी का ब्रिज के ऊपर से भी ना जोन हट जाता है, तो भाई हम लोग जोन में एंटर करते हैं और तभी मुझे यहाँ पे राइट में बंदे दिखते हैं। एक सेंस समझ नहीं आया, वो तीनों बंदे गाड़ी से पीक ले रहे थे लेकिन गोली एक ने भी नहीं चलाई, वो पीक किस में ले रहे थे भाई तुम? गाड़ी के बाहर मुंडे निकाल करके यार मैं एक बंदे का किल चुरा लेता हूँ और उसके बाद ना हमारे ऊपर से वापस से जोन हट जाता है, तो भाई मैं जोन के लिए जा ही रहा था। अभी यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखता है, इसको भी मैं मार देता हूँ अभी गाइस। इसके बाद हम लोग सीधा गाड़ी उठाते हैं और पहुंच जाते हैं जोन के सेंटर में। और भाई यहाँ पे बहुत गलत सीन होने वाला है, अभी देखना। ओ स्कैम भाई साहब, एक बंदा जस्ट मेरे साइड में लेटा हुआ था और भाई अगर मेरे टीममेट्स थोड़ा सा भी पीछे होते ना तो ये बंदा मुझे सीधा नॉक न्यूज डालता और भाई यहाँ पे मेरी गंदी माइनस लगती। अभी गाइस इसके बाद यहाँ पे ना मेरा टीममेट मुझे स्मोक करके रिवाइव करता है, पर जैसे मैं यहाँ पे रिवाइव होता हूँ ना एक स्ट्रीमर की स्क्वाड हमारे ऊपर रश कर देती है। और भाई अभी देखना भाई 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 ये पूरा पता है ऐसी सिचुएशन में बचना बहुत टफ है यार, लोग कहीं भी सांप बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिक्सी ने बहुत हाई आईक्यू लगाया है, गाड़ी में बैठ गए। ओके लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों रश हो रहा है, बर्नी वाली एक बंदे से नॉक किया, लेट्स गो इसका डायरेक्ट राइट साइड सब ले रहा है। ये लोग यहाँ पे मेरे सारे टीममेट्स को मार देते हैं, मैं यहाँ पे अकेला बसता हूँ। अरे अरे एनिमी को शायद से पता नहीं है गाड़ी के अंदर बैठ गया, वो लोग स्मोक में उसको गोली मार रहे हैं, ये गाड़ी के अंदर है। एक और बंदा नॉक, लेट्स गो तीसरा बंदा, तीसरा भैया। भाई ये कैसे हो रहा है भाई, मजाक सट गई, ये पागल करता है, ये एक्चुअली में पागल करता है। यहाँ पे जस्ट अभी तुम्हारे भाई ने एक हार्ट अटैक सरवाइव किया, मतलब यार एक सेकंड के लिए तो मेरे को ऐसा लगा था भाई गेम खत्म है यहीं पे, अभी मैं सीधा लॉबी पहुंचने वाला हूँ। और भाई जब वो स्मोक खत्म होता ना, मतलब जब मैं हील कर रहा था और गाड़ी के ऊपर से स्मोक खत्म हो गया था भाई, वो सबसे गलत सीन था। पर जैसे तैसे यहाँ पे मैं बच जाता हूँ और उसके बाद मैं सीधा जोन की तरफ को निकलता हूँ। और भाई अभी देखना भाई भाई बहुत ही गलत सी, तो बंदा यहाँ पे एयर ड्रॉप के पीछे टीपीपी ले रहा है फिनिश कैसे भी। भाई साहब ये बंदा ड्रॉप के पीछे बहुत ही गंदा कैंप करके बैठा हुआ था, अभी मैं यहाँ पे एक स्मोक करता हूँ। पहले वाला रास्ता एक्चुअली में बहुत अच्छा इंप्रेस करता है। अभी यहाँ पे मेरी लोकेशन बंदों को रिवील हो चुकी थी तो मैं फटाफट से हील करता हूँ और भाई गाड़ी में बैठ के मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और भाई गाड़ी से मैं बंदे स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। वो बंदे कहीं पेड़ के पीछे छुपे होंगे, टीपीपी ले रहे होंगे या खुले में लेटे होंगे। वैसे जितने पेड़ यहाँ पे वो लेटा हुआ है बंदा पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे ही है कहीं। भाई साहब अभी इस बंदे को मैंने यहाँ पे मारा उसके। तो भाई तुम लोग बिक्सी के यहाँ पे रैंक भी देख लो भाई, कॉन्करर है बंदा है, 9 केडी के साथ भाई साहब कॉन्करर जाना टफ है भाई। और साथ में तुम रैंक भी देख लो भाई, फुल इंडिया के अंदर 53 रैंक पे बैठा है।
मतलब यू नो हमारे टीचर परफॉर्म भी करते हैं भाई। तो तुम लोग ऑफ कोर्स बिक्सी को जाके चेकआउट कर सकते हो, मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम एंड पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन एंड ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।